अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अली आगा फ्रॉम फन कार्स और मेरे साथ हैं आज फिजान सलीम। और आज जिस कार के बारे में हम आपके से बात करने लगे हैं वो है निसान सकूरा। और निसान सकूरा जो है ऑल इलेक्ट्रिक कार है, पाकिस्तान में शायद ही इससे पहले आपने ये कार देखी हो। तो फर्स्ट टाइम हम आज इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम इसकी कुछ लुक की बात कर लेते हैं। तो लुक देखते साथ ही क्या आपको लगता है यार, बड़ी अग्रेसिव लुक आती है इसकी। और अगर हम इसकी लाइट्स की बात कर लें तो इसमें हाई इंटेंसिटी LED लाइट्स यूज़ की गई हैं। इसके अलावा इसमें DRLs ये आप देख सकते हैं, DRLs बहुत ही खूबसूरत हैं इसके, और इंडिकेटर LED में दिए गए हैं। सेंटर में इसका निसान का लोगो है, जनरली आपको क्रोम में देखने में मिलता है, लेकिन यहाँ इसकी प्लास्टिक बॉडी में निसान का लोगो है जिसमें LED अंदर माउंटेड है। इसके अलावा जी ये कार हमें अवेल किसने करके दी है, वो है जी ऑटो नेशन। ये है इनका कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको कार परचेज करने में इंटरेस्ट हो रहा है तो आप इजीली इस पर कॉल कर सकते हैं और इनसे सारी इन्फॉर्मेशन जो हमसे रह जाए वो इजीली आप इनसे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बम्पर की बात कर लें तो बम्पर में देख सकते हैं आप इसके पार्किंग सेंसर ऐड हैं, 6 पार्किंग सेंसर इसके फ्रंट बम्पर में ऐड किए गए हैं। और ये ऑल इलेक्ट्रिक कार है तो ऑब्वियसली इसमें सेंसर हैं, रडार हैं। साइड पे अगर हम इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स की बात कर लें तो उसके अंदर 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है जो कि आपको पार्किंग के टाइम असिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक कार है तो ज़्यादा दारोमदार जो है इसका सेंसर्स पर है। और इसके अलावा अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 145 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको अवेलेबल हो जाती है। टायर की अगर हम बात कर लें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 165x65 और R14 यानी 14 साइज का टायर एक खूबसूरत से अलॉय रिम में अवेल किया गया है। इसी तरह अगर हम रूफ टॉप देखें और इसकी ये जो साइड लुक है उसको देखें तो बैक लुक ऑलमोस्ट जो है आपको साइड लुक और बैक लुक थोड़ी सी लुक दे रही है किसकी, निसान हाईवे स्टार डेज की। लेकिन यहाँ पे आके कहानी चेंज हो जाती है। वो कहानी किस तरह चेंज होती है कि जो इसकी बैक लाइट है कम्प्लीटली डिफरेंट लुक है इसकी, आप देख सकते हैं LED में दी गई है। और यहाँ पे जो स्पॉइलर है वो ऑलमोस्ट सेम है, बैक वाइपर है, मिस्ट है, बैक साइड पे रिवर्सिंग कैमरा है। एंड अगेन कार किसके पास अवेलेबल है, ऑटो नेशन के पास। ऑटो नेशन पे शहजाद साहब हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये देख सकते हैं आप हालत देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अभी ये कार जस्ट उतरी है और हमें कॉल आ गई है कि यार ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, इस पर आप रिव्यू कर लें। तो थैंक्स टू शहजाद भाई जिन्होंने हमें अगेन इस कार का रिव्यू करने का मौका दिया। अगेन कार की तरफ हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके क्रिस्टल के अंदर निसान का लोगो दिया गया है जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। सकूरा द नेम मेंशन है और इस नेम से आपको एक चीज़ और याद आ जाएगी, जैपनीज नेम है वैसे तो ये, शायद आपने बचपन में नारुतो नाम के कार्टून देखे हों तो उसमें एक करेक्टर था सकूरा, तो वही सकूरा जो है इसमें उस नेम को जो है इसका कार का नेम उसी पर रख के दिया गया है। इसके अलावा आप अगेन इसके बैक साइड पर भी देख सकते हैं पार्किंग सेंसर अवेलेबल हैं, रिफ्लेक्टर्स ऐड किए गए हैं इसमें, और ज़ीरो एमिशन है जी, यानी कि किसी भी किस्म का कोई कार्बन एमिशन नहीं है। ऑल इलेक्ट्रिक कार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे एक इलेक्ट्रिक कार के बारे में एक मिथ है कि कार्बन जो है बिल्कुल ही नहीं करती, 0% पे हम इसे नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि जो इसके टायर्स हैं वो जब ज़मीन से रगड़ खाते हैं तो तब भी थोड़ा थोड़ा करके कार्बन निकलता है। तो आपने घबराना नहीं है मेरी ये बात सुन के, सिर्फ यही एक फैक्टर है जो इसके कार्बन की वजह बनता है। इसकी बात कर लेते हैं कुछ, जनरली हम क्या देखते हैं यहाँ पे फ्यूल टैंक, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दो किस्म के इसके, एक कमर्शियल लगा हुआ है और एक लगा हुआ है नॉर्मली हाउस होल्ड के लिए। ठीक, मैं उल्टा खोल रहा था शायद, ये दो किस्म के इसके यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो चार्जिंग की वैसे बात कर लें तो ये जो कार है ऑलमोस्ट 8 आवर में कंप्लीट चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने के बाद तकरीबन आपको 180 किलोमीटर की जो है टोटल माइलेज ये आपको वन चार्ज पे, यानी कि 8 आवर चार्ज करने के बाद आप इसको 180 किलोमीटर तक ट्रैवल करवा सकते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आई डोंट थिंक कि ये अभी पाकिस्तान में कोई इतनी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स की कमी है। तो अगर आपको इंटरसिटी में इसको चलाना है तो यार एक बड़ा ही ज़बरदस्त A1 किस्म का पीस है, चौकसा पीस है। तो इसके अब इंटीरियर की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ और देखते हैं इंटीरियर में इसके क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, और इसके अलावा आपको इसके इंजन की भी डिटेल बताता हूँ। जी तो व्यूवर्स, कार के अंदर तो हम आ चुके हैं और देख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि फ्रेश इंपोर्ट है तो अभी तक हमने कीज से जो है वो टेप तक नहीं उतारी। और इसके अलावा आप इसको ये देख सकते हैं अगेन इसकी कंडीशन उतरी है यार, जस्ट अभी उतरी है। और जो है शहजाद भाई ने कहा यार आके जल्दी से इसका रिव्यू कर लो, तो हम आके इसका रिव्यू करने लग पड़े हैं, तो इसीलिए इसकी ये कंडीशन है। तो जनरली क्या है, कुछ ट्रेंड है, कुछ लोगों ने ट्रेंड बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में जब भी कोई कार आती है
तो वो फर्स्ट इसका रिव्यू देते हैं, लेकिन यस आज हमने ट्राई की यार, क्यों ना हम आपको फर्स्ट टाइम किसी कार का रिव्यू दे दें। तो यार ये निसान सकूरा जो है कम्प्लीटली, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं और जो न्यू सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं उनके लिए है स्पेशली ये गिफ्ट है। ये अभी तक आपने ऑब्वियसली नहीं देखा होगा, तो अब इस कार को हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं यार इसमें और क्या क्या कुछ है। इलेक्ट्रिक कार है, स्टार्ट कर ली है और देख लें आवाज़ तक नहीं आई, लेकिन इसके मीटर का जो डिस्प्ले है वो बड़ा खूबसूरत है। तो ऐसा डिस्प्ले हमने और कहाँ देखा था, हमने देखा था जी मर्सिडीज़ में, मर्सिडीज़ E180 का डिस्प्ले ऐसा ही था, यानी कि ये और ये वाली जो LCD है ऑलमोस्ट अटैच टाइप लगती है। ठीक है, तो इसका मीटर अब आपको दिखा दूँ, मीटर देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। कम्प्लीटली जो है LED में इसका मीटर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ टाइम है, आउटर टेम्परेचर है, टोटल माइलेज है, लाइट ऑन ऑफ है, हैंड ब्रेक ऑन की मोड्स हैं जो कि इको है, ई पैडल है। ई पैडल एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बताता हूँ अभी। 45 किलोमीटर जो है मजीद ये चल सकती है बैटरी पे, किस तरह है ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इसके अंदर अवेल हो जाती है आपको। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिट्रैक्टेबल मिरर का ऑप्शन है। थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ नीचे से दिखा सकूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है, प्लग, पावर प्लग और ऑटो हैंड ब्रेक वगैरह, ये सारी कंप्लीट रडार की ड्राइव मोड्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसमें ड्राइव मोड्स भी हैं और ये लाइट की डिटेक्शन वगैरह। लाइट जो है ऑटो सेंसिंग के साथ भी आती हैं, यानी नाइट टाइम में वो आपको इजीली डिटेक्ट करके ऑन कर देंगी। इसके अलावा अगर हम इसके स्टेयरिंग व्हील की बात कर लें तो स्टेयरिंग व्हील की जो लुक है बड़ी खूबसूरत आती है, कम्प्लीटली मल्टीमीडिया कंट्रोल के साथ है, कॉल रिसीविंग डिक्लाइन की ऑप्शंस के साथ है। और इसके अलावा थोड़ा सा हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे अगर हम मैं आपको दिखा सकूँ इसके जो वैनिटी सन वाइजर के अंदर वैनिटी मिरर है, जिस तरह ऑब्वियसली हर कार में ही होता है अब तो, और ये कैमकॉर्डर है कुछ फ्रंट पे, ये लाइट्स के ऑप्शन है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइट्स के ऑप्शन है, और यहाँ पे सीट बेल्ट की वार्निंग के ऑप्शन देता है। एंड जो है थोड़ा नीचे आ जाए तो ये आपके इंटरटेनमेंट के लिए इसमें LED यूज़ की गई है, इसमें आप कनेक्ट करके अपनी ऑक्स या ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करके आप इंटरटेनमेंट इजीली इंजॉय कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट की बात कर लें तो साइड के बहुत डोर्स में जो है स्पीकर ऐड किए गए हैं, डोर्स के अंदर जो है फोल्डर की ऑप्शन है, बोतल होल्डर की ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक कंट्रोल जो है, ये इसकी विंडो है, इसका डोर और इसके इंटीरियर का कलर टू टोन में डिज़ाइन किया गया है, बड़ी खूबसूरत है। ये बेज टाइप का मिक्सचर सा कलर है। और सीट की अगर हम बात कर लें तो सीट्स जो हैं वो फैब्रिक में दी गई हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड की ओवरऑल लुक बहुत खूबसूरत आती है। ग्लव्स बॉक्स की अगर हम बात कर लें तो यार आपको दो कंपार्टमेंट में मिलता है, एक आपको अपर कंपार्टमेंट ट्रे की सूरत में मिलती है, देन अगेन एक जिस तरह प्रॉपर एक ग्लव्स बॉक्स होता है वो आपको अवेल इसके अंदर हो जाता है। इस तरफ हम आ जाते हैं इसकी कंसोल की तरफ, तो कंसोल में आप देख सकते हैं इसका ये नोब, ऐसा नोब जो है अब न्यू मॉडल्स में हर कंपनी कोशिश कर रही है कि यार अपना अपना नोब नया दें, लेकिन निसान ने इसके अलावा जो है ई पावर में, नोट ई पावर में इस तरह का नोब भी दिया था, और अब इन्होंने अपनी निसान सकूरा में भी दे दिया है। निसान सकूरा जो है बेसिकली 2022 मॉडल है, और ये अभी अभी आपके सामने फ्रेश इंपोर्ट उतरी है, जिसकी कंडीशन देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये इसका कम्प्लीटली टच पैनल है सारा AC का, यहाँ से अगर हम इसके AC को ऑन कर देंगे तो हम इसके टेम्परेचर वगैरह को ईजीली मैनेज कर सकते हैं। तो हाँ, ठंडी हवाएं, वाह वाह वाह। एक चीज़ और आपको यहाँ से दिखानी है कि ये ऊपर किया मैंने, ये हम रिवर्स पे आ गए, और रिवर्स पे करते साथ ही आप देख सकते हैं बैक कैमरा, और कम्प्लीटली जिसे कहते हैं जो मैंने आपको 360 डिग्री वो दिखाए थे आपको कैमरा, उसकी लुक आ जाती है। जैसे ये साइड पे बाइक गुजर रहे हैं, वो आगे वो गुजर रहे हैं तो पास से गुजरे, क्योंकि वो सेंसर ने फ़ौरन हमें डिटेक्ट करके बता दिया। तो ये इसके कम्प्लीटली 360 डिग्री कैमराज की जो हैं वो लुक्स थी, और यहाँ पर कम्प्लीटली जो है सिर्फ रिवर्सिंग में इसका वो ऑप्शन रिवर्स कैमरे का नज़र आ रहा है। इसके अलावा जी 4% की ये कंप्लीट सीटिंग कैपेसिटी है, SRS एयर बैग के साथ, सेफ्टी के लिए अगेन सीट बेल्ट के साथ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से ही आपको एक चीज़ बाहर से बताना भूल गया था, वो थी इसकी बूट स्पेस। तो बूट स्पेस की अगर मैं बात कर लूँ तो बूट स्पेस जो है वैसे तो जनरली देखने में 30 लीटर की कैपेसिटी है, लेकिन इसकी जो सीट्स हैं वो 50-50 का स्प्लिट है, तो उसको हम लोअर करके तकरीबन 105-101 लीटर तक इसकी बूट स्पेस को फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये हैंड ब्रेक, इस तरफ अगर आप दिखा सकें तो ये जो है इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, जिसको आप पुल करके ऑन एंड देन पुल करके ऑफ भी कर सकते हैं। ये इसका क्लोजअप एक दिखा रहे हैं,
इसको मैंने पुल किया, ये हैंड ब्रेक ऑफ हो गई एंड देन उसको पुल किया तो ऑन हो गई। तो ये था जी इसका ओवरऑल इंटीरियर, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और यहाँ पे ई पैडल का एक ऑप्शन, पैडल के बारे में अगेन आपको मैं बता दूँ, ये जो ई पैडल है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि अगर गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है तो वो उसको ऑटोमेटिकली डेक्सेलरेट कर देगी, यानी कि जैसे कह सकते हैं ना आपने जैसे ही एक्सेलरेशन छोड़ी तो ये ऑटोमेटिकली इसको रोक देगी, यानी डेक्सेलरेट कर देगी और ब्रेकिंग जिसे कह सकते हैं एट द लास्ट ये कार रुक जाएगी। तो अब ले चलता हूँ आपको इसके इंजन की तरफ और फर्दर डिटेल आपको इसकी बाहर चल के बताता हूँ जी। तो व्यूवर्स इंजन की कुछ बात करेंगे तो ये 20 किलो वाट और वाली बैटरी आती है जो कि लिथियम आयन में आती है। वो बैटरी आप दिखा सकते हैं, बैटरी नहीं इसका बैटरा है क्योंकि इसकी सारी जो है दारोमदारी इसके ऊपर है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे ये चार्ज कितनी देर में होती है तो अगेन मैं आपको बता दूंगा यार, ये 0 to 100 जो है 8 hours में, यानी 8 घंटे में आपके नॉर्मल हाउस होल्ड पर चार्ज हो जाती है। इसके अलावा अगर जो है ये 10 से 80% जो है तकरीबन 35 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, उसके बाद जो बाकी का 20% है वो ज़्यादा टाइम लेता है। और हॉर्स पावर की अगर हम बात करें तो ये 64 horsepower जनरेट करती है और चलते हुए तो यार इसकी स्पीड आपको मैं बताऊँ ऐसे चपेड़े मारती जाती है आपकी 1300 cc 1500 cc गाड़ियों को। और खैर जोक्स अपार्ट, ये भी हकीकत है कि इसकी पिक वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हम इसकी टोटल ओवरऑल माइलेज की बात कर लें तो 8 घंटे चार्ज करने के बाद आपको मिलेगा 180 किलोमीटर का टोटल माइलेज। तो यस, पाकिस्तान में हमने सबसे पहले आपके लिए लेके आया निसान स्कूटर का रिव्यू, तो हमारे लिए बनता है एक सब्सक्राइब। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें जो है सिल्वर बटन हासिल करने तक जल्दी जल्दी पहुँचा दें वहाँ तक, और सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे फिजान सलीम को दीजिए इजाज़त। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है इस नंबर पे कांटेक्ट करें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कॉल करें उन्हें और शहजाद भाई से ना इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लें जो हम नहीं दे सके। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा तो प्राइस के हवाले से भी वही आपको बताएंगे। मैं ज़रा लेने जा रहा हूँ टेस्ट ड्राइव, इससे पहले कि यार ऐसा कोई पीस बिक जाए मैं जा रहा हूँ टेस्ट ड्राइव लेने।